dear students, in this module, we are going to discuss the functionalist perspective about religion in great detail. in our previous module, we discussed these three major perspectives and their point of view about religion. now we are going to talk in detail that how functionalists are viewing the religion and religious practices in any society. religion plays a vital role in maintaining social order and stability by providing इंडिविजुअल्स विद अ सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग किसी भी माशरे के अंदर मज़हब का रोल जो है वो बहुत अहम होता है बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है ख़ास तौर पर जब हम लोगों के आपस में ताल्ल की बात करते हैं उनके रहन सहन की बात करते हैं और उनके बिहेवियरल और इंटरेक्शनल पैटर्नस की बात करते हैं तो फंक्शनस्ट uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मज़हब ही असल में वो बाइंडिंग फोर्स होता है जो लोगों को आपस में जोड़े रखता है तो एक बहुत अहम रोल जो है वो मज़हब का बाकी इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी मौजूद होता है जैसे कि फैमिली इंस्टीट्यूशन है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है एक्नॉमिक इंस्टीट्यूशन है इनके अंदर मजहब या मज़बी अकायद जो हैं वो लोगों को आपस के ताल्लुक के अंदर जो है वो बांधे रखता है ख़ास तौर पर जब हम मोरालिटी की या अखलाकियात की बात करते हैं तो अखलाकियात का ममबा चूँकि मजहब होता है राइट और रॉन्ग की जो हैं, वो रिलीजन से ड्राइव हो रही होती हैं तो फंक्शनलिस्ट ये कहते हैं कि वो जो राइट और रॉन्ग की हैं, डेफिनीशन् जो शेयर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिज़ायरेबल बिहेवियर हैं कि हमें माशरे के अंदर रहते हुए किसी भी कॉन्टेक्स के अंदर किस तरह से अमल करना है एक दूसरे के साथ तल्ल के अंदर किस तरह से जो है वो अपने रवैये को रिफ़्लैक्ट करना है तो ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं ये हमें मजहब से मिलते हैं सो रिलीजस इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसज हेल्प टू री इन्फोर्स दीज शेयरड वैलीज़ एंड बिलीफ विद इन द सोसाइटी और चूँकि ये बिलीफस और वैलीज़ जो हैं ये शेयर्ड होते हैं इनको एक मेजॉरिटी जो है वो प्रैक्टिस कर रही होती है इसी वजह से हम अपने एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्शन फ़ील करते हैं मिसाल के तौर पर जब आप मस्जिद में जाते हैं बाज नमाज़ जब होती है तो ये भी एक शेयर्ड फीलिंग की रिफ्लेक्शन है शेयरनेस की रिफ्लेक्शन है जिसमें आपको नज़र आता है कि लोग कैसे एक दूसरे के साथ मिलके एक ही तरह से एक एक्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फंक्शनलिस्ट ये कहते हैं कि मजहब का जो ये एक बहुत बुनियादी फीचर है या फंक्शन है कि वो लोगों के अंदर एक बॉन्डिंग की कैफियत जो है वो पैदा करता है दैन रिलीजन कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल विद अ सेंस ऑफ कम्यूनिटी एंड बिलोंगिंग विच कैन फॉस्टर द सोशल इंटीग्रेशन इंटरेस्टिंगली जो ये बॉन्डिंग का जो प्रोसेस है ये फ़र्द वाद को उसकी कुलट्टिविटी के साथ भी जोड़े रखता है और इंसान के लिए जो मकसद है ज़िंदगी का मकसद दुनिया के अंदर आने का मकसद और ख़ास तौर पर कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है ये सारी चीज़ें जो है वो मज़हब से ड्राइव करता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आल्सो प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर मॉरल एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग राइट और रॉन्ग right की डेफिनेशनस हमारी जो ज क्योंकि मजहब से आ रही होती हैं किसी भी सिनेरियो या सिचुएशन के अंदर मजहब जो है वो हमें बताता है कि आइदर यू शुड बिहेव दिस वे और दैट वे पाकिस्तान से अगर हम एग्जांपल लें तो प्रैक्टिस ऑफ ज़कात विच इज़ चैरिटेबल गिविंग इन इस्लाम इज इस सीन एज अ वे टू तो सपोर्ट दोज इन नीड एंड प्रमोट द सोशल वेलफेयर तो, तो फ्लेंथ्रॉफिक एक्शंस को मज़हब जो है वो हमेशा सपोर्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप अगर ज़क़ात देते हैं सदक़ा देते हैं तो इसका मज़ब के अंदर बहुत ज़्यादा अजर होता है तो फंक्शनिस्ट ये कहते हैं कि ये माशरे के अंदर एक बहुत पॉजिटिव रोल या बहुत पॉजिटिव फंक्शन परफॉर्म करता है दैन रिलीजस फेस्टिवल्स हैं सच एज़ ईदलफ़ित्र ईद अज़ा प्रोवाइड एन अपॉरचुनिटी फॉर पीपल टू कम टुगेदर एंड री इनफोर्स द शर्ड कल्चरल वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिस तो ईदान के मौके के ऊपर भी लोग जो हैं वो इजतमत में जो है एक आ, इबादत में हिस्सा लेते हैं इससे भी जो एक सोशल कोहियन और कॉपरेशन की फीलिंग है वो लोगों के अंदर डेवलप होती है तो इस फूड फॉर थाट फॉर यू कि आप देखें फंक्शनिस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे हमारे मुख्तफ जो मजहबी अकायद हैं वो माशरे के अंदर किस किस तरह के फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रहे हैं